लोकसभा सीट इन दिनों देश की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। लेकिन एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी मैदान में आ गई है। जी हां, सपाक्स पार्टी ने भोपाल से डॉक्टर वीणा घाणेकर को मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता आयुष राठौर ने सपाक्स उम्मीदवार डॉक्टर वीणा घाणेकर से खास बातचीत की। भोपाल लोकसभा सीट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है तो दूसरी तरफ बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। लेकिन तीसरी बात करने जा रहे हैं कि पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी मैदान में उतर चुकी हैं। जी हां, सपाक्स पार्टी ने डॉक्टर वीणा घाणेकर जी को सपाक्स से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैम, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हम चुनाव में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश में आ रही है, देश की एकता और अखंडता खतरे में है। हम देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और उसके बाद फिर मराठा, उसके बाद जाट, उसके बाद पटेल, और पता नहीं ये कहां कहां तक ये आग फैलेगी। और हम ये भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम अखंड भारत की संतान हैं। ये जो एक अभियान चला है देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो उसको रोकना होगा। इसलिए मैं लोकसभा प्रत्याशी बनी हूँ कि देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ूंगी। दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट में ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि जो न किसी ने कभी सोचे, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कोई भी कानून कायदा ऐसा नहीं है कि बिना सुनवाई के आप किसी को गिरफ्तार कर सकें। तो यह जो सवर्णों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये जो कानून कायदा बनाया है, संशोधन किया है एट्रोसिटी एक्ट में 2016-2018 में, ये अत्यंत खतरनाक है। आप देखिए कि 4000 केसेस में से केवल 925 केस में कन्विक्शन हुआ है, उनको दंड दिया गया है। और 925 में से भी एट्रोसिटी एक्ट में मुश्किल से 10 लोगों को दंड दिया गया है। अब बात करते हैं भोपाल की। आप भोपाल से उम्मीदवार बने हैं सपाक्स पार्टी के, क्या है मैम भोपाल का विज़न आपके पास? क्या लगता है डेवलपमेंट को लेके, क्या एक विज़न प्लान बनाया है आपने? देखिए, यह लोकसभा सीट है नंबर एक, इसके लिए देश के बारे में सोचना है और फिर उसके बारे में अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है। भोपाल एक बहुत ही विकासशील शहर है, नगर है, और बहुत भारी संभावनाएँ हैं यहाँ के लिए, विकास के लिए। और इस शहर के विकास के लिए, और साथ ही सीहोर और बेरसिया, ये जो एडजॉइनिंग क्षेत्र हैं जिनमें भी विकास की अपूर्ण जो संभावनाएं की गई बताई गई हैं, उसको पूर्ण करना है। तो उस दृष्टि से भी बेरसिया सीहोर को समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है, रोजगार की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, सड़क परिवहन, बिजली पानी, सारी समस्याएं, और सबसे बड़ी कीचड़ मुक्त करना उन क्षेत्रों को जो ग्रामीण इलाके हैं, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेंगी। मैम, सपाक्स पार्टी को लेकर विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था माइकेलाल, जिसके बाद सपाक्स ने इसको काफ़ी उठाया था चुनावी रैलियों में और बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। क्या ये मैम जो माइकेलाल वाला बयान था, इस बार भी आप लोग इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था? जी हाँ, माइका लाल तो एक ऐसा शब्द हो गया है कि जो कहावत सरीखा हो गया है, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने ये नहीं सोचा कि वो 78% जनता को नाराज कर रहे हैं। संतुष्टिकरण की यह राजनीति हमारे देश को कहाँ ले जाएगी? तो माइका लाल तो हमारा एक टैग बना है और बना रहेगा जब तक कि हम 78% जनता के बारे में न्यायोचित निर्णय और कदम नहीं उठाते हैं। मैम, आखिरी सवाल कर लेते हैं कि लोकसभा से मैम दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदूवादी चेहरा है, दोनों को किस तरीके से सपाक्स पार्टी देखती है, क्या है? देखिए, दोनों के चेहरे जो हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हम अपने विरोधियों के रूप में ही उनको देखते हैं, क्योंकि वो हमारे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। तो वो उम्मीदवार हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, मैं उनको समान रूप से अपने स्टेटस के हिसाब से देखती हूँ।
परंतु यह भी जनता को तय करना पड़ेगा कि कौन अपराधों में लिप्त रहे हैं, किसके खिलाफ अपराध रहे। दोनों ही के खिलाफ कई अपराध दर्ज हुए हैं, कई विवादित घटनाएं घटी हैं। जबकि मैं शुरू से ही आईएएस ऑफिसर, एक ईमानदार छवि मेरी है, मैंने न एक पैसा किसी को दिया न किसी से लिया। राजनीति में आई हूँ, इस मिथक को तोड़ने के लिए आई हूँ कि राजनीति में ईमानदार, कर्मठ और समाजसेवी लोग नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं यह बताने के लिए आई हूँ। तो यह थी सपाक्स पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी जो कि भोपाल से चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर वीना कानेकर जी। इनका सीधा कहना है कि ये राजनीति में आई हैं क्योंकि राजनीति में आजकल ईमानदार लोग नहीं हैं। इन्होंने साथ ही दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह और प्रज्ञा ठाकुर तीनों पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी कि विकास को लेकर वोट करना है या दूसरे मुद्दों को लेकर वोट करना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय द्विवेदी के साथ आयुष राठौर, 7i News भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i News को सब्सक्राइब करिए।